हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज 19 जनवरी 2021 को जो आपका स्माइल 2.0 का होमवर्क आया है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चर को पृथक कीजिए। जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो पहली समीकरण है 3n+7=37। तो देखिए बच्चों, इस समीकरण को हल करने के लिए हम जो 7 है उसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। देखो बच्चों, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड समीकरण की, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। तो हम 7 को इस राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और उसके बाद 3 से भाग देंगे ताकि 3 हट जाए। तो इसको देखिए, 3n=37-7। हम 7 को इधर राइट हैंड साइड में लेंगे और अब आ गया 37 में से 7 के आ गया 30। अब हमने इसको 3 से भाग दिया। किससे भाग दिया है? 3 से दोनों तरफ भाग दिया है। तो अब आप देखिए, 3n/3 और 30/3। अब 3 से 3 कट गया, 3 से का जब आप भाग दोगे तो आएगा 10। उत्तर आया n=10। तो इस तरह से हमारा पहला सम सॉल्व होता है। सेकंड है, हमारे पास क्वेश्चन है 3p/5=6। अब इसमें नीचे 5 है, इसको बराबर करने के लिए दोनों पक्षों को हम 5 से गुना करेंगे। जब आप देखो उधर 3p/5 × 5 करोगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा और उत्तर आएगा 3p/6 × 5=30। अब दोनों तरफ 3 से भाग देंगे ताकि 3 हट जाए। तो 3 से भाग देने के लिए हम इसको 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 3 का भाग जब हम 30 में करेंगे तो उत्तर आएगा 10। तो हमारा आंसर आया P=10। ये हमारा उत्तर आ गया। अब तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है 10m=1000। अब इसको हमें समीकरण को सरल करना है। तो 10m=1000 में हम दोनों तरफ 10 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे बच्चों? 10 का भाग देंगे। तो हमारे इधर भी 10 का भाग दे दिया, इधर भी 10 का भाग दे दिया। जब इधर 10 का भाग दिया तो 10 से 10 कट गया, इधर बच गया m। इधर हम 10 का भाग देंगे, जब 10 का भाग हम 1000 में देंगे तो उत्तर आएगा 100। तो उत्तर आया m=100। ये हमारा उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है y/4=7। अब यहां पर इस समीकरण को हल करने के लिए हम दोनों तरफ 4 का गुना करेंगे। तो इधर भी 4 का गुना किया और इधर भी 4 का गुना किया। तो इधर 4 का गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, उत्तर आएगा y=, ये 7 × 4 किया तो 28 आया। तो हमारा उत्तर आया y=28। अगली समीकरण है 3x=8। अब 3x=8 इस समीकरण को सरल करने के लिए हम दोनों तरफ 3 का भाग देंगे। 3x/3 = 8/3। तो अब ये जब 3x/3 है, इसमें से 3 से 3 कट जाएगा, यहां बच जाएगा x और इधर बच जाएगा 8/3। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2q+4=0। इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये जो 4 है इसे हम राइट हैंड साइड में इधर लेकर आएंगे। तो आपको पता है ना, जो भी प्लस की संख्या होती है जब समीकरण के दूसरी तरफ जाती है तो वो माइनस हो जाती है। तो ये हो गया 2q = -4। अब दोनों तरफ 2 का भाग देंगे। 2q/2 - 4/2, 2 से 2 कट गया, q आ गया और 2 से जब हम 4 का भाग करेंगे उत्तर आएगा -2। -4 का भाग किया तो उत्तर आया -2। ये हमारा हो गया आंसर। अब तीसरा प्रश्न है, हमें इन 2 समीकरणों को हल करना है। a=n-5=7। अब इसमें जो ये -5 है इसे हम इस राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये जो माइनस है राइट हैंड साइड में आकर प्लस हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा n=12। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा है 6x+2=14। तो ये जो 2 है इसको हम इधर राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो यहां पर प्लस का 2 यहां जाकर माइनस का हो जाएगा, 6x=12 आ गया। अब दोनों तरफ हम 6 का भाग करेंगे। 6x/6=12/6, 6 से 6 कट गया बच्चों,
तो हमारा उत्तर आ गया, और 6 का जब 12 से भाग करेंगे 2 आएगा, x बराबर 2, ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से हमारा जो आज का होमवर्क था वो कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।